जय जगन्नाथ सारस्वत बार्तार अगणा को आपण मानंकु स्वागत। आज आपणंक पाखरे एक स्वतंत्र विषय वस्तु उपस्थापना करिबी। तेबे आपण वीडियो रे देखि पारुचंती देवींकर मुख हेउची अत्यंत हस हस मुह। तेबे सेई हस हस मुह को नेई एक पर्व पालन करा जाय थाए जहार नाम हेउची महानंदा नवमी। माघ मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि रे पालन करा जाय थाए महानंदा नवमी। तेबे सरस्वती पूजार चारि दिन परे पड़ी थाए महानंदा नवमी। एही दिन जिए माँ दुर्गा पूजा अर्चना करी थाए एवं महानंदा नवमी व्रत पालन करी थाए अत्यंत शुभप्रद होई थाए। तेबे एही दिन कौन पाई महानंदा रूप से पूजा करा जाए तेबे आपण माने जानंती वर्ष को चारोटी नवरात्र पड़ी थाए। से चारोटी नवरात्र मध्यरु दुईटी हेउची प्रकटित नवरात्र आउ दुईटी हेउची गुप्त नवरात्र। तेबे आश्विन मासरे एवं चैत्र मासरे पालन करा जाउथिबा नवरात्र को कहा जाए प्रकटित नवरात्र एवं दुईटी गुप्त नवरात्र पालन करा जाए। तेबे माघ मासर शुक्ल प्रतिपदा ठारु नवमी पर्यंत पालन करा जाय थाए गुप्त नवरात्र एवं आषाढ़ मासर शुक्ल प्रतिपदा ठारु नवमी पर्यंत पालन करा जाय थाए मध्य गुप्त नवरात्र। एही परि दुईटी नवरात्र पड़ी थाए। तेबे माघ मासर शुक्ल प्रतिपदा ठारु नवमी पर्यंत जे नवरात्र पालन करा जाय थाए ताहाकु गुप्त नवरात्र कहा जाए। कहा जाए कि एही नवरात्र रे माँ सरस्वती बा बागदेवी माँ तारा को पूजा कले अत्यंत शुभप्रद होई थाए किंबा एही दिन मानंकरे जदि मातंगिनी को पूजा करा जाए अत्यंत शुभप्रद होई थाए बा नील सरस्वती को पूजा कले अत्यंत शुभप्रद होई थाए। तेबे महानंदा नवमी दिन जिए केबे हेले भी एही दिन मानंकरे कहा उपरे क्रोध करि नथिबो माने माघ मास शुक्ल प्रतिपदा ठारु नवमी पर्यंत जेउ व्यक्ति कहा उपरे रागी नथिबो कहा को कटु भाषा कहि नथिबो भंड शब्द के पाटी रे उच्चारण करि नथिबो तेबे ताहा प्रति माँ सरस्वती अशेष कृपा प्रदान करिथांती। एवं कुहा जाए कि माघ मास शुक्ल प्रतिपदा ठारु जेउ घट बसा जाय थाए से ही घट को महा नील सरस्वती रूप से किए पूजा करिथाए किए महा सरस्वती रूप से पूजा करिथाए किंबा मातंगिनी रूप से पूजा करिथाए तेबे एही नौ दिन पर्यंत जिए घट को पूजा करिथाए घट पूजा करि मंत्र जप करिथाए एवं सबुबेले बाग संयमता रखी थाए कहा को कटु भाषा कही न थाए। माँ सरस्वती एही महानंदा नवमी तिथि अत्यंत स्मित हास्य प्रदान करी थांती सही व्यक्ति प्रति एवं तार मथा उपरे निजर अभय हस्त को बुलाई आनी देई थांती एवं ताहांकु चीर ऐश्वर्य प्रदान करी थांती विद्या वृद्धि प्रदान करी थांती। तेणु करी कुहा जाए कि सरस्वती पूजार पांच दिन पर्यंत एवं सरस्वती पूजार पांच दिन पूर्वरु आपण केबे हेले कु भाषा कु कार्य करिबे नाही भल कार्य करिबे कहा उपरे राग हिंसा क्रोध करिबे नाही। सरस्वती को आपण जानंती से सबुबेले शांत कांत होई थांती माँ गायत्री जे शांत कांत होइथांती सेहिपरि सरस्वती माँ सावित्री एवं गायत्री सबुबेले शांत रूपा होइथांती। तेणु करी कहांको प्रति कटाक्ष बदन करंती नाही किंबा कहाकु राग करंती नाही। तेणु करी जेउ माने सरस्वती को पूजा करिथांती एवं कहा उपरे क्रोध प्रकाश करिनथांती एही महानंदा नवमी रे माँ सरस्वती तांको आशीर्वाद प्रदान करिथांती। तेबे कुहा जाय कि महानंदा नवमी रो रात्र समय रे जेउ माने माँ सरस्वती को साधना करंती से सरस्वती तांको उपरे आशीष प्रदान करंती। तेबे नंदा किए नंदंकर कन्या किए थिले ना माँ सुभद्रिका थिले तेणु करी तांकर नाम हेउची नंदा। नंदा रूपरे से पूजा प्राप्त होइथांती। तेबे माघ मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथिरे माँ नंदा देवी माने दुर्गा को जेउ माने पूजा अर्चना करंती अत्यंत शुभ फल प्राप्ति होइथाए। तेबे आपण को प्रथम कारणटी कहिली जेउ माने सरस्वती को पूजा अर्चना करिथांती नौ दिन पर्यंत सेमान को अशेष कृपा प्राप्ति होइथाए एवं शेषरे महानंदा नवमी तिथिरे जेउ माने दुर्गा को पूजा अर्चना करंती माँ नंदा देवी माने सुभद्रिका बा कांपिल्य वासिनी जी अटंती नंदा देवी ए नंदा देवी आपण को उपरे आशीष प्रदान करिथांती। तेणु
करी सकाळ समय रे गोटिए घटटिए बसाइबे घट बसाई माँ दुर्गा बा नंदा देवी को स्मरण करिवे एवं एही दिन माँ दुर्गा स्मित हास्य प्रदान करूथिबा गोटिए फटटिए आनी घरे जदि पूजा अर्चना करंती किमा प्रतिमा को आनी पूजा अर्चना करंती अत्यंत शुभप्रद होइथाय कुहा जाय हसुकुरी माता माने दुर्गा को आमे बहुत कम समय देखी थाउ तेबे महानंदा नवमी दिन माघ मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि रे माँ हसिबा को लागिथिले तेणुकरी ए हसमुख देखी समस्ते आनंदित हो जाइथिले माँ दुर्गा हेउचंती अत्यंत लावण्यमय अटंती मोहिनी कला प्राप्त थिले तेणुकरी माँ का मुहरे जेतेबेले हस देखिले समस्ते आश्चर्य होइगले माँ कर एही लावण्यमय चेहरा रे जेतेबेले हस आसीथाए बहुत खुशी होइथांती तेणुकरी माँ महानंदा नवमी रे हसिथांती तेणुकरी माँ बहुत आनंद होइथांती भक्त मानक प्रति आशीर्वाद प्रदान करिथांती तेणुकरी जेउ माने महानंदा नवमी रे मान महानंदा देवी माने दुर्गा को पूजा करंती अत्यंत शुभ फल प्राप्ति होइथांती तेबे एही दिन नौ प्रकार फूल नौ प्रकार फल रे माँ को विमंडित कराई पूजा अर्चना करिवे सकाळ समय रे हविषान्न भक्षण करिवे रात्र समय रे माने संध्या समय रे माँ को प्रथमे सुंदर भाव रे सुसज्जित कराई देबे सुसज्जित कराई माँ का पाखरे नौटी दीप को प्रज्वलन करिवे नौटी दीप को प्रज्वलन करिबा बेले मन रखिबे उत्तर मुखा करी प्रज्वलन करिवे कारण हस खुशी आनंदर प्रतीक वैभवर प्रतीक होइथाए उत्तर दिग तेणु करी उत्तर दिग को मुख करी नौबती दीप को प्रज्वलन करिवे एवं माँ को आरती करिवे नौटी कर्पूर आरती द्वारा माने कर्पूर वर्तिका द्वारा माँ को आरती करिवे एवं माँ का पाखरे नौ प्रकार फल को भोग लगाइबे नौ प्रकार फल को भोग लगाई से ही प्रसाद को समस्त को प्रदान करिवे तेबे प्रथमे आपण कुनी कुनी झियो मान को एही दिन प्रदान करिवे एवं एही दिन जमारु जेते दुख थिले मध्य आपण क्रंदन करिवे नाही कुहा जाए जेउ माने एही दिन क्रंदन करंती तांको प्रति मां असंतुष्ट होइथांती तेणु करी केबे हेले मां को पाखरे क्रंदन करिवे नाही सबबळे टिके हसिबा पई चेष्टा करिवे स्मित हास्य देखिले मां आउ टिके हसिथाए तेणु करी आपण मने रखिथिबे एही दिन केबे हेले कांदिबे नाही सबबळे मां को पाखरे हस हस बदन रे जिवे कारण मां एही दिन हसिबा पई भल पाई थाए तेणु करी मां को पाखरे आपण हसिबे एवं मां मध्ये आपे हसिबे तेणु करी चाइना वास्तु रे कोण कुहा जाय ना लाफिंग बुद्ध लाफिंग बुद्ध सबबळे हसुथांती जार मुह को देखिले आमो को हस लागी थाए ता सेही परि भाबरे मां मध्ये आजि हसुथाए तेणु करी आमे मध्ये ता पाखरे जदि हसि करी तांगर मुख को दर्शन करिबा से मध्ये आमो को देखि हसिबा को लागिबो तेणु करी एही दिन कर्पूर आरती रे बंदापना करिवे संध्या समय रे एवं मां को पाखरे नौ प्रकार फल लगाइबे ताहाकु बंटन करिवे तसहित मांकर स्तोत्र ध्यान पाठ करिवे एवं मां को कानी पतेई आंजुला करी मागिबे आनंदर धारा मो प्रति वर्षा करिदे ताहले मां आपणक प्रति अत्यंत आनंद होई आनंदर वर्षा करिदेव तेबे मने रखंतु नवमी तिथि हेउची रिक्ता तिथि एही तिथि रे कोनोसी शुभ कार्य करा जाय नथाए किंतु दुईटी वर्ष करे दुईटी नवमी तिथि आसी थाए जहाँ कि कुहा जाए अत्यंत शुभप्रद तेबे से दुईटी हेउची अला नवमी एवं महानंदा नवमी माघ मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि एही दिन मानकरे जेउ कन्या मानकर विवाह होइथाए अत्यंत शुभप्रद होइथाए सेथिपाई तो पांजिकारे उपलब्ध थाए नवमी तिथि रे विवाह तेणुकरी रिक्ता तिथि हेले मध्य माघ मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि रे विवाह जोग रही थाए तेणुकरी महानंदा नवमी रे जदि कौनसी कुमारी कन्या एही व्रत को पालन करे सकाळ समय रे थरुटिए हविषान्न को भक्षण करे संध्या समय रे एवं प्रातः समय रे माँ दुर्गा को पूजा करे अत्यंत शुभप्रद होइथाए तेबे गोटिए कथा मने रखिबे एही महानंदा तिथि रे जदि आपण कोनोसी नदी पुष्करिणी रे किंबा तीर्थ स्थान रे स्नान करूचंती सेतेबेले नंदा नंदा देवी ओम नंदा देवी नमः ओम नंदा देवी नमः नौ थर उच्चारण करी जदि आपण बुड़ मारंती अत्यंत शुभप्रद होइथाए कुहा जाए कि कृतिका नक्षत्र युक्त होइथिबारु नंदा तिथि माघ मासरे एही दिन माँ का पाखरे दही भोग लगाई ताहाकु जदि ग्रहण करंती अत्यंत शुभप्रद होइथाए राशि लड़ू भोग लगाइले मध्य अत्यंत शुभप्रद होइथाए
तेबे परिशेषरे आपणंकु कहिबी माँ दुर्गा तांडव करंती जेतेबेले आनंद होई जानती किंबा अत्यधिक क्रोध करंती सेतेबेले तांडव करिथांती तेणुकरी एही दिन दुर्गा तांडव को मध्ये पाठ कले अत्यंत शुभप्रद होइथाए माँ खुशी रे नाचिथाए रागिले नाचिथाए तेणुकरी दुर्गा तांडव को पाठ करंतु एवं एही दिन जदि ब्राह्मणंक द्वारा आपण संक्षिप्त दुर्गा पूजा टिए करंती माँ नंदा देवीक उद्देश्य रे गृहरे अत्यंत शुभप्रद होइथाए 108 बेलपत्र माँ को अर्पण करंतु एवं 108 मंदार पुष्परे माँ को पूजा अर्चना करंतु तत्सहित माँ को मध्य 21 किंबा 27 किंबा 108 कुंद पुष्प अर्पण करंतु अत्यंत शुभप्रद होइथाए एवं आपणकु शुभ फल प्राप्ति होइथाए। जदि भिडियोटी भल लागिथाए तबे लाइक करिबे, कमेंट करिबे, शेयर करिबे। रहुची, नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय नंदा देवी।